कि डोगरी दे ना पर जिन्नी बनी दियां ना लाभियां इन्नियां कुसे देरा दियां होंदियां नहीं भाबियां। ताले की गवाईए पिछों तुपदे ने चाबियां, ताले की गवाईए पिछों तुपदे ने चाबियां, सोचा हुण तंग ते खुलियां कुत्थों हुण रकाबियां। वो चढ़ी गए दे बुढ़े जिहड़े जीती गए हे जंगा, चली गए दे बुढ़े जिहड़े जीती गए हे जंगा, पिछे हुण रही इहदियां फोकियां ने भाबियां। डोगरी दे ना पर जिन्नियां बनी दियां लाभियां इन्नियां कुसे देरा दियां होंदियां नहीं भाबियां। जम्मू का यूथ की बात करें तो इस समय यूथ जो है बेशुमार तरीके से परेशान, क्योंकि जम्मू का जो यूथ है डिग्रियां तो बड़ी हैं लेकिन नौकरियां नहीं उनको मिल रही है। नई सरकार बनी है तो जानते हैं इनसे, हमारे साथ एक यूथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम है साहिल बडियाल, इनसे जानते हैं कि ये क्यों परेशान है। साहिल पहले मुझे बताइए, डिग्रियां इतनी हैं पर नौकरियां मिल नहीं रही है, कैसा आप इसे देखते हो? नई सरकार आई है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पिछले 14 साल से और सीधे सीधे देखा जाए तो बैकलॉग पोस्टों को अगर मिला लें तो 8 साल से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। मैं अपनी भाषा जो मेरी मातृभाषा है, जिसमें मैंने तालीम हासिल की है, जिसमें मैंने पढ़ाई की है, डोगरी, उसको लेके तो इतनी बेरुखी है कि मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए जम्मू प्रोविंस में, जम्मू खित्ते में 400+ हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है। और अभी जो लेक्चरर ऑफिशियली बचा हुआ है डोगरी का वो सिर्फ एक है। एक लेक्चरर जी, स्कूल्स कितने हैं? 400+, 408 के करीब। अच्छा, 408 के आठ स्कूल हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू प्रोविंस में है। लेक्चरर एक। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोगरी भाषा का भविष्य, डोगरी भाषा का मुस्तकबिल कैसा होगा। तो आपने किसी हायर अप से पास जाके बात बात नहीं की, क्योंकि आप बड़े सोशली भी बड़े एक्टिव हैं, मतलब ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने कहीं बात बात नहीं की कि डोगरी के बारे में कि इतने स्कूलों के लिए एक अगर लेक्चरर रखा है तो आपने इसके बारे में बात नहीं की? ऐसा कोई अदारा नहीं है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसको हमने खटखटाया ना हो। हम लगातार अपने तौर पर इनके दरवाजे खटखटाते रहे और हमें आश्वासन पे आश्वासन, सनी देओल की एक मूवी है तारीख पे तारीख, तारीख दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीफ, इंसाफ नहीं मिलता। वही हाल डोगरी का है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है लेकिन डोगरी को इंसाफ नहीं मिलता। प्रेजेंटली आप अभी क्या कर रहे हैं डोगरी में, क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटली सर डोगरी में तालीम हासिल कर चुके हैं और बेरोज़गार है। नहीं वो तो है, मतलब अभी एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। एमए कंप्लीट हो चुकी है, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आपके साथ कई बच्चे होते हैं? मैं अकेला नहीं हूं, हमारे पास एक पूरी फौज है और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 10-10 साल एक विषय को दिए, डोगरी भाषा को दिए और वो ओवरेज हो गए। अच्छा, अब आप बताएं क्या वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि डोगरी पढ़ो, या और बच्चों को बोलेंगे, वो चार और बच्चों को बोलेंगे और पेरेंट्स को बोलेंगे कि डोगरी मत पढ़ाना बच्चों को? देखिए, बच्चे पढ़ते इसलिए हैं कल को वहाँ पे नौकरी कर सकें, उस विषय में काबिल हो सकें, आगे भी पढ़ा सकें, उसके लिए होती है। अगर नौकरियाँ ही नहीं देनी है तो ये सब्जेक्ट बंद कर देना चाहिए फिर। देखिए क्षेत्रीय भाषा ही बच्चों को बोल देना चाहिए कि भाई आप ये सब्जेक्ट ले ही नहीं, क्योंकि इसमें हम आपको नौकरी दे सकते। जैसे कि बच्चे जिन्होंने BDS की हुई है उनके लिए नौकरी ही नहीं निकली कई सालों से। कितनी आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे आमफला में, वो कितनी देर बैठे रहे, 5-5, 10-10 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठे, बट हुआ क्या, पोस्टें तो निकली नहीं। मैं BDS की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं डोगरी ही की बात करूँगा यहाँ पे, कि आप नौकरी की सिर्फ बात करते हैं, भाषा डोगरी को लेके हम सिर्फ नौकरी तक महदूद नहीं है, भाषा के साथ आपकी संस्कृति जुड़ी होती है। बिल्कुल। और एक आदमी की पहचान उसकी संस्कृति से है, उसकी भाषा से है। अगर एक व्यक्ति गुजराती बोलता है तो हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाता है गुजराती के प्रति, गरबा हमारे दिमाग में आ जाता है, ऊंट हमारे दिमाग में, थार हमारे दिमाग में आ जाता है, खान पान उनकी संस्कृति आ जाती है। लेकिन अगर कोई डोगरी बोलेगा ही नहीं तो आप मुझे बताएं कोई फ्रेम कर पाएगा कि ये डोगरा है? बिल्कुल। ये वही कौम है जिसने गिलगित बाल्टिस्तान अपने तक हदें पहुंचाई, ये वही कौम है जिसने दक्षिणी तिब्बत तक अपनी हदें पहुंचाई, ये वही कौम है जिसने कबायलियों का डट के मुकाबला किया टिल लास्ट बुलेट एंड लास्ट मैन, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब। आज उस कौम के साथ इतनी बेइंसाफी हो रही है तो बहुत दुख लगा। साहिल आपने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे आपका एक नारा गुलाब भी आया था जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नारा गुलाब के पीछे मकसद ये था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है डोगरी संस्कृति से, डोगरा संस्कृति से विमुख हो गई है, बखी हो चुकी दी है, उनका मुँह फेरी ले दें उन्हें, तो उनको जागरूक किया जाए। एक नारा, एक स्लोगन बनाया गया जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा, महाराजा गुलाब सिंह के लिए, उनकी शान में।
जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्लोगन है, आप देखते होंगे, और उनका बच्चा बच्चा जो स्लोगन को रट के बोलता है, मैंने देखी, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची मराठी भाषा में कैसे स्लोगन बोल रही थी। लेकिन हमारे बच्चे जो है नहीं, उनको इतना तक नहीं पता, अरे मैं ये बोल लूँ, उनको अपने दादा परदादा का ढंग से नाम नहीं पता। इवन मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर वो डोगरी में बात भी करते हैं ना, घर वाले पेरेंट्स भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गाँव की भाषा है, शहर के लोग ये नहीं यूज़ करते। आप मुझे बताएं, शहर जो है वो कैसे बनते हैं? गाँव से उठकर लोग आते हैं माइग्रेट होकर तो शहर बनते हैं। अगर आप लोग अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति ईमानदार नहीं है, तो फिर आप किसके प्रति ईमानदार होंगे? आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपनी कौम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पंजाब में आप जाएं, पंजाब में लोग खुल के, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे जहाँ पे आप इंग्लिश फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो अपनी पंजाबी में बोलते हैं। जी जी। और गुरदास मान की भी एक लाइन है, हर बोली सीखो, सीखनी भी चाहिए थी, पकी वे के कच्ची नहीं टाई दी। वही हिसाब हो रहा हमारे जम्मू के साथ, मतलब आगे बढ़ रहे हैं बट पीछे तो खत्म हो रहा है ना डोगरा। कारण बहुत से हैं सर। मैंने कभी लिखा था कि डोगरी के ना पर जिन्नियाँ बनी दियाँ ना लाभियाँ, इनियाँ कुछ देर आदियाँ होंदियाँ नहीं भाभियाँ। तालेंगी गवाइए पिछु तुपदन चाबियाँ, तालेंगी गवाइए पिछु तुपदन चाबियाँ, सोचा हुन तंग ते खुलियाँ कुत्थों हुन रकाबियाँ। वो चढ़ी गए थे बुढ़े जड़े जीती गए हे जंगा, चली गए थे बुढ़े जड़े जीती गए हे जंगा, पिछे हुन रही एदियाँ फोकियाँ ना भाभियाँ, डोगरी दे नाँ पर जिन्नियाँ बनी दियाँ लाभियाँ, इनियाँ कुछ देर आदियाँ होंदियाँ नहीं भाभियाँ। तो ये थे हमारे साथ साहिल, जिन्होंने बताया कि डोगरा कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डोगरी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन बच्चों का भविष्य, जैसे इन्होंने बताया कि डोगरी में हम MA कर चुके हैं, हमारे पीछे एक हजूम खड़ा पूरे का पूरा। प्लीज़ सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, अगर 400+ स्कूलों के लिए एक लेक्चर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं डोगरी का हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हाल है।